हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास टेंथ का एक चैप्टर है फिजिक्स का। फिजिक्स में जनरली तीन ही चैप्टर है अपना, जो राजस्थान बोर्ड की जो फिजिक्स है इंग्लिश मीडियम की, उसमें तीन चैप्टर हैं। एक लाइट वाला चैप्टर है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, और एक है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आपको हमारी एप्लीकेशन है लकी एजुकेशन है वहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल आज हम बिगनिंग करेंगे फिजिक्स वाले फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर की। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर की अगर बात करें तो पहली बात तो अगर मार्क्स की बात करें तो ये वाला चैप्टर है 5 मार्क्स का, 5 नंबर का चैप्टर है। दूसरी चीज़ इस चैप्टर में ध्यान रखना, दो क्वेश्चन आएंगे और लगा के क्वेश्चन आते हैं, या तो एक पहले वाले को करो या दूसरे वाले को। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो 5 नंबर है वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कैसे आता है, 1+2+2=5 मार्क्स, या हो सकता है 1+1+1+2=5 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन मतलब ब्रेक में आएगा, मतलब पार्ट्स में आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ध्यान रखना, साइंस में आसानी से नंबर 100% हम ला सकते हैं, जितने भी मार्क्स हैं अचीव कर सकते हैं। और खासकर लाइट वाले चैप्टर में तो बहुत ही आसानी से हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हैं। ठीक है, तो लाइट वाले चैप्टर की बात करेंगे। लाइट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश आप सब जानते होंगे। जैसे नाइट की बात करें, नाइट में अगर घर में हमारे में अगर लाइट नहीं है, ठीक है, तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और जैसे ही लाइट आ जाती है तो क्या होने लगता है, हमें आसपास की सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। या फिर आपने देखा होगा चंद्रमा वाली नाइट होती है जब बाहर भी हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब चंद्रमा नहीं होता काली रात होती है तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती और डर सा भी लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर किसी जगह पर हम लाइट लगाते हैं तो क्या होता है, हमें वो उस जगह के आसपास की जो चीज़ें वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो मतलब लाइट हमारी मदद कर रही है, क्या कर रही है, मदद कर रही है। कैसे मदद कर रही है, ये हमारे आसपास की जो चीज़ें उनको देखने में हमें क्या करती है, सक्षम बनाती है। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो हम देख नहीं पाते हैं। तो हमारी आँखें मतलब ऐसी कैपेबल हैं कि हमारे आसपास की सारी चीज़ों को देख पाती हैं अगर लाइट अवेलेबल है। अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो हमारी आँखें भी उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के लाइट क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसमें, आसपास की चीज़ों को देखने में। किसको देखने में, आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, उनको देखने में क्या करेगी, लाइट हेल्प करती है। अच्छा, लाइट की दूसरी खासियत, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। कैसे पाथ में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, सपोज यहाँ से कोई लाइट की रे आई तो लाइट की रे कैसे आती है, स्ट्रेट पाथ में आएगी, ना कि ऐसे ऐसे नहीं आती। लाइट की जो रे है वो हमेशा कैसे आएगी, ये गलत है, हमेशा स्ट्रेट पाथ में आएगी। और यहाँ पर टकरा के सपोज ये ऐसे चली जाएगी तो जाएगी भी कैसे, स्ट्रेट पाथ में। तो कुल मिला के ये है, लाइट पहली चीज़ तो क्या करती है, हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। नंबर दो, लाइट कैसे पाथ में ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, सीधी गति में ट्रेवल करेगी, सीधी गति से। और नंबर तीन, लाइट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइट को मेजर किया जा सकता है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो 3.8 × 10⁻¹⁸ ये क्या है, लाइट की स्पीड है, इसको मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो आप बताना 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तीन चीज़ें ध्यान रखना लाइट के बारे में, एक तो हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी का रूप है, विच इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमें मदद करती है, हेल्प करती है किसमें, हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करेगी, जिग जैग पाथ में ट्रेवल नहीं करेगी। और लाइट कैसी है, मेजरेबल है, और लाइट की स्पीड होती है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कॉमन सा आपको याद रखना है लाइट के बारे में। अब मैं बताऊंगा दो, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, वो दो कॉन्सेप्ट पूरा की पूरा चैप्टर उसी दो कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा लाइट के दो फिनोमिना, दो घटनाएं समझाऊंगा जो मतलब पूरे के पूरे आपके चैप्टर में आने वाली है, लाइट से संबंधित दो घटनाएं। पहली घटना देखो, अभी बेसिक्स में आ जाएगा और इसी में आपका पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, इसी में आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पहली घटना है आपकी
रिफ्लेक्शन, क्या है रिफ्लेक्शन, लाइट की पहली घटना रिफ्लेक्शन। दूसरी है रिफ्रैक्शन, ध्यान देना एक जैसे लगते हैं दूर से देखोगे तो, पर यहाँ पे फ्रैक्शन है यहाँ पे लेक्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दोनों में मतलब समझ में आ गया तो समझ लो आपको चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों में समझना बहुत, अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन जिसको हम हिंदी में परावर्तन के नाम से भी जानते हैं, परावर्तन, इसको बोलते हैं अपवर्तन, क्या बोलेंगे अपवर्तन। ये लाइट की हमारी दो घटनाएं, ये अगर समझ में आ गई तो समझ लो पूरा चैप्टर समझ में आ गया और ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है ये समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो कोई चीज़ रखी हुई है, सपोज यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है और मिरर में एक सरफेस कैसी है इसकी पॉलिश कर रखी है। आपने शीशा देखा होगा, घर में जो शीशा रहता है शीशे की पीछे की साइड में क्या रहती है पॉलिश रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। कैसी सरफेस बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर की दूसरी साइड कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्योंकि प्लेन मिरर मतलब फ्लैट मिरर है, मिरर के बारे में भी हम आगे जानेंगे, एक चीज ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये है एक प्लेन मिरर। अच्छा, ये चीज़ तो ध्यान रखना। अच्छा, हम समझ रहे हैं पहले रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई लाइट की रे आए और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर कैसी सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर कोई लाइट की रे आए, अब देखो आ रही है तो एरो ऐसे लगाना है, और कोई लाइट की रे आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसीडेंट रे, क्या बोलते हैं इंसीडेंट रे, और इसको डिनोट करते हैं आई से। तो यहाँ दिखा सकते हैं लाइट की रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी कहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी जाने वाली रे। अच्छा, दोबारा मैं बता रहा हूँ, लाइट की रे आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और चली गई कहीं, किसी भी डायरेक्शन में मतलब जा सकती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो मतलब सिंपल सी बात कहूँ कि यहाँ पे लाइट की रे आई टकराई और वापस चली गई, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है, यहाँ पे बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। आपने देखा होगा हम बॉल ले लेते हैं, बॉल को मान लो दीवार पे मारो तो दीवार पे टकरा के वापस आ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है या दीवार पार करके चली जाएगी। जनरली ऐसा नहीं होता, हम मान लो कोई बॉल फेंकी, ये मान लो कोई बॉल आई यहाँ पे टकराई, टकरा के वापस चली गई। अब बॉल हो सकता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल से आप दे रहे हो तो उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी। तो इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट की रे आएगी किसी सरफेस पे टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब जैसे मान लो आप शीशा ले लो, ठीक है, और बाहर निकल जाओ धूप में, तो सन की रेज शीशा से टकराती हैं और टकरा के उसको हम किसी एक जगह पे फोकस कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। सन की रेज आई शीशा से टकराई और किसी जगह पर हम उसको लाइट को एक जगह पे फोकस कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, लाइट की रे का आना किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस कैसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, तभी लाइट की रे टकरा के वापस जाएगी। अगर यहाँ पे सरफेस ट्रांसपेरेंट है, सरफेस कैसी है ट्रांसपेरेंट, तो लाइट की रे बाहर करके चली जाएगी। अगर आप मान लो प्लेन शीशा ले लो जिस पर पॉलिश सरफेस ना हो, तो लाइट की रे पार करके चली जाएगी, वहाँ पर दूसरी घटना होगी, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कि किसी सरफेस से लाइट की रे का टकराने के बाद वापस चले जाना, क्या कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है या परावर्तन। सिंपल सी बात है रिफ्लेक्शन, लाइट की रे आई टकराई वापस चली गई, सिंपल। अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है,
अब देखो रिफ्लेक्शन ध्यान देना, ये जो रिफ्लेक्शन है जनरली कैसी, मतलब जो मिरर होते हैं, अब हमारे चैप्टर में मिरर दे रखा है, तो मिरर में घटना होगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। दूसरे हमारे चैप्टर में एक चीज़ दे रखी है लेंस, क्या दे रखी है लेंस, तो लेंस में जो घटना होती है वो होती है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मान लो सपोज कोई सरफेस है, यहाँ पे मान लो कोई सपोज सरफेस है, और सरफेस कैसी है आपकी ट्रांसपेरेंट, कैसी सरफेस है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट सरफेस का मतलब क्या होता है, ऐसी सरफेस जिसके दोनों तरफ, आप मान लो यहाँ पे मेरा सपोज हाथ ट्रांसपेरेंट, तो मैं इसके आर पार देख सकता हूँ, जैसे शीशा होता है जनरली कैसा होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें पॉलिश ना हो, ठीक है, तो हमें आर पार दिखाई देती है नहीं देती, तो ट्रांसपेरेंट। देखो जनरली सरफेस तीन प्रकार की होती है, मैं अलग से बता देता हूँ, जनरली सरफेस दो तीन प्रकार की मिलेंगी आपको, एक होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, आर पार दिखाई दे, दूसरी होती है ट्रांसलुसेंट, ट्रांसलुसेंट मतलब जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता मगर धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, हल्का हल्का सा दिखाई देगा, मतलब आपको सरफेस में देखोगे तो क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देगी, हल्का हल्का सा दिखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलुसेंट। एक होती है ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस का मतलब है बिल्कुल दिखाई ना दे, जैसे मान लो शीशा है हम जो जिसमें चेहरा देखते हैं तो उसके पीछे की साइड थोड़ी दिखाई देती है हमें, तो बिल्कुल ओपेक है, दीवार है, दीवार के हम दूसरी साइड में जैसे यहाँ पे बोर्ड के पीछे क्या है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो बोर्ड कैसा है ओपेक है, अगर आर पार दिखाई ना दे अपारदर्शी ओपेक सरफेस बोलेंगे, आर पार दिखाई दे किसी चीज़ के उसको ट्रांसपेरेंट सरफेस बोलेंगे, हल्का धुंधला धुंधला सा दिखाई दे उसको ट्रांसलुसेंट बोलते हैं। तो आ जाओ वापस किस पर, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, हमने कोई कैसी सरफेस ली ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, कैसा मीडियम लिया ट्रांसपेरेंट, सपोज ये कोई ग्लास है, क्या है ग्लास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने बता दिया रिफ्लेक्शन में दो चीज़ ध्यान रखना, लाइट की जो रे आती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, टकरा के वापस चली आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना, और ये कैसी है पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा अब रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट की रे आएगी और ये क्या होगी, जैसे ही मीडियम चेंज होगा, ध्यान देना यहाँ पे एक खास बात क्या है, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने पर लाइट की रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, मतलब समझो लाइट की रे यहाँ से आ रही है, मान लो एयर में लाइट की रे कहाँ से आ रही है एयर से, और ये क्या है आपका ग्लास है, तो एयर और ग्लास, एयर आपका गैस हो गया, ग्लास क्या हो गया सॉलिड हो गया, तो मीडियम आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस, ये मीडियम हो गया, तो एयर से कहाँ पर आ रही है सॉलिड में, तो आने पर क्या होगा, जानी कैसी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, मीडियम चेंज हुआ, मगर हुआ क्या, हुआ ये कि ये लाइट की रे बेंड हो गई, ठीक है, जानी कैसे चाहिए थी ऐसे, मगर लाइट की रे क्या हो गई बेंड हो गई, और फिर दोबारा मीडियम चेंज होगा, यहाँ पे ग्लास यहाँ पे एयर, फिर वापस कैसी हो जाएगी, वापस ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है बेंड हो जाती है, बेंड कब होती है जब मीडियम चेंज होता है, तो बेंड कितनी बार हो रही है यहाँ पे, दो बार बेंड हो रही है, पहले लाइट कहाँ से आ रही है एयर टू ग्लास, फिर कहाँ ग्लास टू एयर, तो जो पॉइंट होता है, जो पॉइंट होता है जहाँ पे मीडियम चेंज होता है वहीं से लाइट की रे क्या हो जाती है बेंड हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, ये घटना आपकी कहलाती है रिफ्रैक्शन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लाइट की दो घटनाएं हैं, पहली घटना है आपकी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कोई लाइट की रे आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, आने वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है जनरली हमें किस में देखने को मिलता है, मिरर में देखने को मिलता है, और ऐसी सरफेस जो कैसी हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने चैप्टर में जो मिरर हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर, उसमें पूरा की पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, यही सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में आपको क्या होगा, लाइट की रे आएगी और मीडियम चेंज होगा तो फिर वो क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी और पार कर जाएगी। ध्यान रखना रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट की रे वापस नहीं आती है, पार करके चली जाती है। ध्यान रखना ऐसे लाइट की रे आई, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, जानी ऐसे चाहिए थी मगर मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो गई बेंड हो गई। तो ध्यान रखना रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट की रे बेंड हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है बाउंस बैक कर जाती है। तो ध्यान देना
इसमें एक वर्ड याद रखना है, बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन में क्या ध्यान रखना है, लाइट की रे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। और इसमें रिफ्लेक्शन में क्या याद रखना है, लाइट की रे बेंड हो जाएगी। यहाँ पे सरफेस कैसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। यहाँ पे मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम चेंज होना चाहिए। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। और फिर ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन पर क्या आधारित है, मिरर जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। और जो हम लेंस पढ़ने वाले हैं, लेंस भी आपको पता है दो प्रकार के हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये भी ये किस पर आधारित हैं, रिफ्रैक्शन पर आधारित हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और फिर भी नहीं हुआ तो एक बार वापस वीडियो चला के देख लेना। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कि आज आपने क्या क्या देखा, एक तो आपने देखा भाई लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में देखा, दूसरा हमने क्या देखा, लाइट की दो फिनोमेना के बारे में देखा, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। अगला वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं दो चीज़ों के बारे में, ठीक है, या फिर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप्स। रिफ्लेक्शन क्या है हमने देख लिया, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमारी लकी एजुकेशन ऐप आ चुकी है, वहाँ पर ये सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे, क्लास 10 साइंस, क्लास 10 SST, जितने भी कोर्स हैं सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने लकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें और वहाँ से इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाएं। सो थैंक यू सो मच।